तो हम दोनों की राखियां बन गई हैं, जरा दिखाइए। तो मिस्टर दीपबंद अपना है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। सर्वप्रथम आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस रक्षाबंधन सबका सेलिब्रेट हो गया है, हम लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांध दी हैं। मम्मी जी ने शायद पहली बार पुष्कर मामा जी को राखी बांधी, बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत अच्छा लगा जब मामा जी को मम्मी जी ने राखी बांधी, लेकिन वो बांध नहीं पाए, उनसे नॉट नहीं लग पा रही थी, मामा जी ने अपने आप बांधी। लेकिन फिर भी पहली बार मेरे ख्याल से आफ्टर मैरिज, इतने साल हो गए, मम्मी जी पहली बार मामा जी आए थे रक्षाबंधन में और राखी बांधते। और ये देखिए बच्चे अब अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, भव्य भव्य, शायद हिमाद्री भी जाएगी। हाँ कह रही है तो ये लोग वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ पर भव्य भव्य राखी बांधेंगे। और सुजिया जी तो नहीं आए हैं, तो भाभी के भी राखी बनती है, तो दीदी जो है हिमादी की नंद, वो हिमादी को राखी बांधेंगे। अब हम पिछला लगा चुके, अरे दिखाता सर, अब जाऊंगा राखी तो बांध दे। हाँ राखी, अरे राखी भी तो है, राखी खोलो चल। अब मैंने बच्चों को देने वाला सामान तैयार कर दिया है। हिमाद्री गर्ल को रिटर्न गर्ल में सूट देगी, भव्य भाव्या को प्लाजो सूट देगा, हिमाद्री को फ्रॉक देगा और हिमाद्री भी भव्य को रिटर्न गिफ्ट देगी। बहना ने भाई की कलाई पे, ये देखिए यहाँ पर भी शैतानी चल रही है। क्या है डिक्को, क्यों परेशान करता है, ये देखिए ये कितनी छेड़खानी करता है। एक पहली राखी अंदर, अभी सिया की भी बननी है राखी, आरू की राखी भी आई, हिमाद्री, ये देखते हैं हिमाद्री गांठ लगा पाती है नहीं लगा पाती है। ये चैलेंज है हिमाद्री के लिए, जिसमें मिलेगा हिमाद्री को एक रुपया इनाम अगर हिमाद्री नॉट लगा पाती है। ये देखें पास से क्लोज लुक, ये हाँ हाँ, और लगा के दिखा था दूसरी, ये तो एक सिंगल हुई, डबल नॉट लगाइंग चैलेंज सौ हंसने लगे लगाइंग सुन के। ये लो मेरे को देना ये गिफ्ट, ये लो। हाँ जब भिटोली होती है तो ऐसी शादी के टाइम दी जाती है, और ये हिमादी देगी भाई को रिटर्न गिफ्ट। ये लो, ये हो गया दोनों का रिटर्न गिफ्ट।
अब भाव्या राखी बना रही, फर्स्ट टाइम बना रही है राखी। भाव्या का तो आती है पहनाने, क्यों परेशान कर रहा है, पहनाने देना, मुझे भी देर हो रही है। अभी सिया की भी है, सिया की होगी, प्रिशा दीदी की ओर से होगी राखी। मैं वो भेजे चाहे ना भेजे, मैं तो पहनाऊंगी ना उसके नाम की। आती है भाव्या को नॉट बांधनी आती है? अच्छा चलो भाव्या को आती है। ये भाव्या को ये मेरे को क्या देगी? कुछ चलो दो। तनु आ गई है घर को राखी पहनाने के लिए, तो तनु घर को राखी पहना रही है। चलो दो तनु को दो। अरे उसके कपड़े कपड़ों में सज जाएंगे। ये है तनु की मम्मी मीनाक्षी, मेरी देवरानी। ठीक हो जाओ का, तुम ठीक भी नहीं हो रहे हो जल्दी। हां ठीक हो जाओ का, तुमसे तुम ठीक भी नहीं हो जल्दी। बस हो जाओ, गप मार देखो हम। कुछ खाने का मन कर रहा है? चलो। अब मेरी दोनों बुआ सास आ गई हैं अपने भैया भाभी को राखी बनाने के लिए। बुआ जी लोगों ने मुझे भी राखी पहनाई। तो मेरी भी राखियाँ बन गई हैं, दोनों बुआ जी लोग थी, बुआ सासे जो है उन्होंने राखी बांधी और सबकी राखी बन गई हैं। वो लोग लेट आए, सबसे पहले पुष्कर मामा जी ने मम्मी जी को राखी बांधी थी 7 बजे से पहले, जो कि समय था क्योंकि जनी को 7 बजे से पहले ही पढ़नी थी, तो इसलिए 7 बजे से पहले सबका स्नान ध्यान हो गया था। आज बसंती भी नहीं आई और जो खाना बनाने वाली मैम है वो भी नहीं आई है, तो सारा काम दीदी और मैंने करा है, तो बस मिल के हम लोगों ने काम करा। तो ये रही मेरी राखी। हमारे घर के पास लोहे संबंधी कुछ कार्य चल रहा है, इस वजह से आपको बहुत आवाज़ें आ रही होंगी। बस अच्छे से निपट गया मिस्टर प्रदीपक अपनी चचेरी बहन रुशाली को राखी बना मतलब से राखी बनवाने के लिए उसके घर चले गए थे, और बस शाम का टाइम है, आज ना खाना बनाने वाली है नहीं है ना बसंती को आना है, तो बस खाने की तैयारी हो रही है शाम की। मैं आटा गूंदने के लिए बैठ गई, मिस्टर प्रदीपक सब्जी काटने के लिए बैठ गए। तो अच्छा रहा त्यौहार, और मम्मी जी को फिर से फीवर इस समय आ गया है, तबियत ऐसे ही चल रही है, सूजन बढ़ रही है, उसके लिए अलग से ब्लॉग डालूंगी मम्मी जी की तबियत को लेकर के। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो बाय कर दूँ, फिर मुझे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय बाय अगेन, हैप्पी रक्षाबंधन।